नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्यारकुंड प्रशासन द्वारा बुधवार की सुबह मैथन स्थित छठ घाट में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड कर्मी शामिल हुए। सभी ने योग गुरु किशोर शर्मा की देखरेख में योग किया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने कहा कि नमामि गंगे के तहत मैथन के छठ घाट में योग शिविर का आयोजन किया गया है। योग सभी को करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। दवा का सेवन कम करना पड़ता है, जिसके कारण आप अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। वहीं ग्यारकुंड बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्यारकुंड प्रशासन द्वारा छठ घाट में योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कि सभी को प्रत्येक दिन अपने शरीर के लिए समय निकालकर योग करना चाहिए। योग करें, निरोग रहें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसको लेकर के प्रखंड प्रशासन की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं आशा करूंगा कि सभी लोग योग करें और निरोग रहें, क्योंकि योग एक ऐसी विधि है जो हमारे पूरे शारीरिक क्रिया को सक्रिय करती है और रोग से उसको दूर करती है। इसलिए हम सभी को अनुरोध करेंगे कि योग जरूर करें और निरोग रहें। नमामि गंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसे कि हम लोगों को सबको योगा करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। ये तरह तरह का बीमारी में काम आता है योगा। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके समय निकाल के कम से कम आधा घंटा भी आप योगा करें सुबह समय। इससे आपको शरीर में बहुत ही लाभदायक आपको लाभ मिलेगा, दवा कम खाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से सबको योगा करना चाहिए।